जनता की सेवा के लिए। एक विकसित मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश का ही हो जाता है। तब बुलडोजर भी चलेगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में NH 347 सी पर 4 बाईपास के निर्माण एवं सड़क सुधार के लिए 929 करोड़ 13 लाख और भिंड में 2 लेन सड़क निर्माण के लिए 348 करोड़ 6 लाख की राशि स्वीकृत की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में संचालित कार्यों की वीसी के माध्यम से समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीएम श्री चौहान ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में इंदौर में आयोजित योग मित्र तथा महारुद्र पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी भौतिकता में दग्ध मानवता को न केवल भारत अपितु वैश्विक स्तर पर मार्गदर्शन और संबल उपलब्ध करा रहे हैं, वे संपूर्ण मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ के समान हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में ARI के अध्यक्ष एवं ख्याति लब्ध पत्रकार श्री प्रेम प्रकाश जी की पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज मंत्रालय में विभिन्न उद्योगपतियों एवं निवेशकों ने भेंट कर प्रदेश में निवेश के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवेशकों को राज्य शासन की ओर से पूर्ण सहयोग के लिए आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग में भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और 50 किलो वर्ग में निखत जरीन द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प के क्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामलाल स्थित उद्यान में नीम, करंज और बादाम के पौधे रोपे।